नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जो स्टॉक्स है जो कि लगातार न्यूज में रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के जो पसंदीदा शेयर है उसके बारे में। सबसे पहला जो शेयर है हमारा ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पसंदीदा स्टॉक्स है और काफी अच्छा रिटर्न पे दिया। जिन्होंने भी 3 रुपीज 4 रुपीज पे इन्वेस्ट किया था या उससे आगे के प्राइस पे भी इन्वेस्ट किया था और काफी अच्छा रिटर्न मिला। ये पहले स्टॉक में ये काफी अच्छे स्टॉक में से एक है, लेकिन कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करता है ये देखना होगा। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस प्राइस लेवल के ऊपर निकलता है तो इसमें हमें मोमेंटम देखने मिलेगा और किस प्राइस लेवल के ऊपर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पर जो है कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है, अगर जैसे कि देख सकते हैं पिछले दिन ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाया था, अगर यहाँ से ये क्रॉस कर जाता है इसको, अगर ये 17 रुपीज को क्रॉस करते हुए अगर ये 20 रुपीज के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर आप इसमें आसानी से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तब ये एक बेहतरीन मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन याद रहे कि कंपनी का जो बिजनेस है पैंडमिक से अभी जरूर प्रभावित है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें गिरावट भी देखने मिले। तो जो क्वार्टर का रिजल्ट है उस पर लगातार आपको 2-4 क्वार्टर ध्यान देना होगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट में कैसा परफॉर्म करती है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है मतलब 19 रुपीज से ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पर जो ऊपर का टारगेट देखने मिलेगा तो यहाँ देख लीजिए 13 रुपीज से 18 रुपीज, तो 5 रुपीज का टारगेट ऊपर आपको देखने इसमें मिल सकता है। तो 18 रुपीज से ऊपर आप आगे के 5 रुपया के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, मतलब 23 रुपीज 22 रुपीज के लिए। तो ये स्टॉक पे अभी वेट कीजिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन पूरा होने दीजिए, तब फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है, लगभग 6 रुपीज से लगातार मोमेंटम किया है ये स्टॉक। और यहाँ पर देख लीजिए कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से देख सकते हैं 14 रुपीज से लेकर के 19 रुपीज तक, यहाँ पर भी 5 रुपीज का रेंज बनाया था और यहाँ से फिर से ये 4 रुपीज से 5 रुपीज का मोमेंटम कर सकता है अगर ये 18 रुपीज के ऊपर निकलता है तो। अब दूसरा है उजास एनर्जी। देखिए उजास एनर्जी इस काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि ये मात्र 3 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन देख सकते हैं कंपनी का अगर चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट बता रहा है कि इस स्टॉक में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक ये स्टॉक इस प्राइस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता। यहाँ पर देख सकते हैं 13 रुपीज 12 रुपीज के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करने लगता है तब तक आपको इस स्टॉक में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी देख सकते हैं लगातार जो चार्ट है प्राइस जो है इस चार्ट पर लगातार इसका नीचे गिर रहा है, तो जब तक ये 12 रुपीज के ऊपर नहीं निकलता है तो आपको इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, मतलब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको यह कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई बड़ा चमत्कार हो तभी आपको इसमें कुछ मिल सकता है, अदरवाइज इसमें अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अभी उजास एनर्जी से थोड़ा अवॉइड कीजिए। उसके बाद आता है ऊर्जा ग्लोबल। ये स्टॉक भी कभी कभी ये देख सकते हैं एक दिन में 9% 10% का तेजी दिखाता है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू। ज्यादातर समय देखिएगा ये सर्किट के साथ ऊपर जाता है, सर्किट के साथ नीचे आता है, तो ये स्टॉक जब तक 10 रुपीज के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता है तब तक इसमें आपको जो है बुलिश नहीं होना है। जब तक ये 10 रुपीज के ऊपर ट्रेड करने नहीं लगता है, जब ये 10 रुपीज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर हम इसमें बुलिश हो सकते हैं। तो 10 रुपीज इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जब तक ये 10 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते हैं, और 10 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये आसानी से आपको 16 रुपीज तक का टारगेट दे सकता है। तो 10 रुपीज बहुत ही क्रूशियल इसका रेसिस्टेंस है, 10 रुपीज को क्रॉस करता है तो फिर हम 16 रुपीज के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इस तरह के स्टॉक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ध्यान रखना है, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कंपनी का बेहतर आता है तभी ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने में सक्षम होगा। जैसा कि हम हर स्टॉक में बताते हैं, जब तक कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग न्यूज ना आ जाए, मतलब या तो कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है फ्यूचर में या कंपनी में भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ जाए, तभी जा करके ये इस तरह के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि ये लंबे समय का देख सकते हैं कई बार ये यहाँ 10 रुपीज़ के आसपास 9-10 रुपीज़ से यह लगातार नीचे आ जाता है। अगला हमारा साउथ इंडियन बैंक। ये भी काफ़ी मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पसंदीदा स्टॉक में से एक है, क्योंकि ये भी काफ़ी देख सकते हैं छोटे स्टॉक है, प्राइस में काफ़ी छोटा स्टॉक मात्र 10 रुपीज़ का है। देखिए इसमें आज मैंने भी 50 क्वांटिटी बाय किया है। क्यों बाय किया? क्योंकि इसमें देखिए HDFC लाइफ और भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि इसमें स्टेक ले रही है, तो इसी कारण से मैंने भी 50 क्वांटिटी मतलब 500 ऐसे लगा दिया। तो छोटे जो स्टॉक है इसमें इसी तरह से आपको छोटे अमाउंट लगाना है, तो मैंने भी इसमें 50 क्वांटिटी ले रखा है। हो सकता है कि अभी
अगर देखेंगे कि इसमें मोमेंटम नहीं होता है काफ़ी लंबे समय तक, तो मैं इसमें बेच करके निकल भी सकता हूँ, चाहे कोई भी कंपनी स्टेक ले। जब इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो स्टेक इधर उठाया है, मार्च क्वार्टर में आया है, मतलब स्टेक जो है 2-3% से ऊपर का लिया गया है, तो इसी कारण मैंने भी लिया। हो सकता है इसमें मोमेंटम देखने मिले। तो ये मोमेंटम कब होगा, देखिए जब ये प्राइस जो है यहाँ से 12.65 रुपीज़ इसके ऊपर मतलब निकलता है, तो फिर इसमें आपको जो है लगभग यहाँ तक का टारगेट 18 रुपीज़ तक का टारगेट इसमें देखने मिल सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म में ये इसके ऊपर निकलना चाहिए, तब लॉन्ग टर्म में हमें इसमें टारगेट जो 18 रुपीज़ तक का देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो रेंज है देखते हैं, इस रेंज में अभी ये फंसा हुआ है। इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो हमें 18 रुपीज़ का टारगेट मिलेगा, अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ तक का ये 6 रुपीज़ तक का टारगेट ये दिखा सकता है नीचे की ओर, लेकिन उसकी कम संभावना है, हो सकता है क्योंकि यहाँ देखते हैं वॉल्यूम काफ़ी आया है, तो वॉल्यूम आया है तो हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट दे और 18 रुपीज़ तक जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 7 रुपीज़ के आसपास होगा स्टॉप लॉस, और 18 रुपीज़ का टारगेट होगा। तो देखते हैं स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा है और टारगेट भी यहाँ से काफ़ी बड़ा है। इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के स्टॉक में आपको कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलेगा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी पसंदीदा स्टॉक में से एक और स्टॉक है एस बैंक। देखिए एस बैंक का चार्ट देखिए, ये यहाँ से हिल भी नहीं रहा है, आप जब ये स्टॉक यहाँ से हिल भी नहीं रहा तो आप इसको आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ देखिए काफ़ी लंबे समय लगभग अगस्त 2020 से ये स्टॉक इसी रेंज में फंसा हुआ है, मतलब जो 20 रुपीज़ से लेकर के ये 12 रुपीज़ इसी बीच में फंसा हुआ है। जब तक ये आपको पहले ही हमने बोला कि जब तक ये 25 रुपीज़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें मोमेंटम आपको देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं कोई भी बाय वॉल्यूम नहीं है, लगभग सारे के सारे जो सेल वॉल्यूम है, जब तक इसमें वॉल्यूम नहीं आता है और ये जब तक 25 रुपीज़ के ऊपर नहीं निकलता है जिसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इसमें 100 क्वांटिटी लिया था, इसको फिर मैंने सेल कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो अच्छे अच्छे शेयर हैं उसमें लगाएंगे तो कुछ मिलेगा, अगर इसके बदले एक स्टॉक हम HDFC बैंक का ले लेते हैं तो उसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। उसके बाद अगला है IRFC। देखिए PSU सेक्टर के स्टॉक है, ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाला समय जो है PSU सेक्टर परफॉर्म करेगा। अब जो आने वाला साइकिल है, क्योंकि ये सब साइकिल में चलता है, ऐसे PSU सेक्टर में आपको कुछ खास देखने नहीं मिलेगा, कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आने वाले समय में PSU सेक्टर परफॉर्म करता है तो कुछ मिल सकता है। देखते हैं इसका चार्ट किस तरह से था। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ मोमेंटम पकड़ा है, ये यहाँ पर 1-3 दिन में ही ये जो मोमेंटम दिया, मात्र 3 दिन में, इस 3 दिन में आप पकड़ सकते तो पकड़ते, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ देखते हैं 3 दिन में आपको यहाँ कैसे पकड़ते, एक ही दिन में ये 21 रुपया से देख सकते हैं 22.60 रुपया गया, उसके बाद कुछ खास मोमेंटम इसमें नहीं हुआ। तो इस तरह के स्टॉक में आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप जो सेक्टर के लीडर स्टॉक है, जो अच्छे क्वालिटी वाले शेयर, उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको इसमें मतलब इन्वेस्ट करना ही है तो अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये मोमेंटम तभी दिखाएगा जब ये 25 रुपीज़ के अभव निकलेगा। देखते हैं ये यहाँ से 25 रुपीज़ से नीचे काफ़ी तेज़ी से ये गिरा था, तो जब तक ये 25 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक हमें इसमें मोमेंटम कुछ खास मिलने वाला नहीं है। ये अगला हमारा है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये भी स्टॉक देखते हैं कि जो मार्च में गिरावट आया था पैंडेमिक में 2020 में, तो काफ़ी नीचे गिरा था और वहाँ से जो स्टॉक मोमेंटम किया तो लगभग यहाँ पर पहले रेसिस्टेंस ले रहा था, फिर इसके ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर देखते सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक में फिर से गिरावट और फिर इसी प्राइस रेंज में यहाँ फंसा हुआ। यहाँ से स्टॉक अगर निकलता है तो देखिएगा इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना रखा है, अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलता है, यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाता है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर इसमें ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और जो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना रहा है ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और इसके ऊपर निकले, ये जो देखना है इसका रेजिस्टेंस 35 रुपीज़, तो अभी आपको 29.80 रुपीज़ पे यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 35 रुपीज़ का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से आपको ज़बरदस्त मोमेंटम ये दिखाएगा, लगभग जो है 45 रुपीज़ तक का ये आपको टारगेट दे सकता है अगर ये 35 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो। ये जो टारगेट आपको बता रहे हैं ये इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं, ये देखिए 45 रुपीज़ का टारगेट, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो इतने जब इतना आप वेट कर सकते हैं तो सेक्टर लीडर स्टॉक के साथ रहिए, जब भी गिरावट में मिले जो सेक्टर के लीडर स्टॉक है, जो कि हम आपको कई सारे वीडियो में बताते रहते हैं, उन सारे स्टॉक में रहते हैं तो फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और उसमें आपका रिटर्न जो काफ़ी सुरक्षित भी रहेगा। ये सारे जो PSU सेक्टर के स्टॉक है इसमें आपको यहाँ 45 रुपीज़ जाने में काफ़ी ये वक्त लगाएगा,
पहले तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, पहला टारगेट 35 रुपीज़ का होगा, 35 के ऊपर सस्टेन करता है तब हमें ये 45 का टारगेट दे सकता है। वहीं अगला जो हमारा स्टॉक है वो IRCTC काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है क्योंकि इसका बिजनेस मोनोपोली वाला बिजनेस है, तो अभी आने वाले कई सालों तक ये अपना मोनोपोली क्रिएट करके रखेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो रेंज बना रहा है, पहले यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ से गया तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस ले रहा है जो कि पहले का इसका हाई है। पहले भी ये पैंडमिक से पहले 2000 रुपीज़ का हाई बनाया था, वहाँ पर ये रेसिस्टेंस लिया और फिर से ये अपने हाई के पास यहाँ पर देख सकते हैं पहुँच चुका है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का जो रेंज है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का रेंज कितना है देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग इतना, यहाँ से जब ये यहाँ से मूव किया था लगभग 50% तक का मतलब मोमेंटम किया था, तो यहाँ से फिर ये मूव करेगा तो इतना ही बड़ा आप ले सकते हैं टारगेट, जो कि यहाँ 33% के आसपास यहाँ पर आपको यहाँ पर मोमेंटम मिल सकता है और ये होगा 2680 रुपये तक का यहाँ से मोमेंटम आपको मिल सकता है जब ये 2000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब। तो यहाँ 2000 के ऊपर सस्टेन करता तो ये यहाँ से 2680 रुपये तक का मोमेंटम कर सकता है। तो IRCTC इसको देखते रहिए और जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास आए, देखिए ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, यहाँ पर हमने इसको मिला रखा है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास रखे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहें इन्वेस्ट करें क्योंकि जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा ये स्टॉक जबरदस्त मूव करने वाला है क्योंकि कंपनी का बिजनेस सिर्फ बंद है, ओपन होने के साथ कंपनी का बिजनेस जो उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से पैंडेमिक के पहले चलता था। उसके बाद आता है हम टाटा मोटर्स के पर, टाटा मोटर्स काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो यहाँ आप देखिए टाटा मोटर्स काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ से किया और यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, अगर यहाँ से ये मतलब क्रॉस करने में सफल होता है ये स्टॉक इस रेसिस्टेंस को 340 रुपीज़ के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट करता है तो फिर हमें ये लगभग 440 रुपीज़ तक का टारगेट दिखा सकता है। तो 440 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा अगर ये 340 के ऊपर निकलता है, मतलब 100 पॉइंट का यहाँ से आपको यहाँ पर मोमेंटम मिल सकता है टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स अगर 340 के ऊपर निकलता है तो हम इसे 440 के लिए बाय कर सकते हैं, 440 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें। अगला हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेस, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ 6630 रुपीज़, अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पर तो फिर आपको जैसा हमने पहले भी बोला था ये 5000 तक का यहाँ पर लेवल दिखा सकता है। तो अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो ये 5000 का लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ पर अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी देखिए ये स्टॉक अभी जो डाउन ट्रेंड मोड में है, देख सकते हैं पूरी तरह से इसका ट्रेंड डाउन है। तो अभी जब किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पूरी तरह से डाउन हो और यहाँ पर जो इसका क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा फॉल किया है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इसका मतलब टेम्प्रोरी जो फाइनेंस है वो दिखा रहा है कि इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट में जंप देखने मिलता तो फिर ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से रिकवरी कर सकता था, लेकिन प्रॉफिट में जैसे गिरावट हुआ तो ये यहाँ से चार्ट पे भी वीकनेस है, साथ साथ जो फाइनेंशियल इसका ट्रेंड है प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो जो फाइनेंशियल ट्रेंड में भी गिरावट हो और चार्ट पे भी गिरावट हो टेक्निकल चार्ट पे, तो निश्चित है कि यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 5000 का लेवल आपको दिखा सकता है। अभी इसमें जस्ट वेट कीजिए क्योंकि इसमें जब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या तो आप SIP मोड में चाहें तो गिरावट में जो हर गिरावट होगा वहाँ पर ले सकते हैं। अगला है हमारा मदरसन सुम्मी, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास आया लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा वीक बनाया है, ये वीक देखिए कितना मतलब ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से रिजेक्शन लिया ऊपर से। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक में गिरावट होती है, अगर यहाँ से इसमें गिरावट होती है तो फिर ये जैसे इस मतलब ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है देखते हैं, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन को मिलाइए थी या ये 20 मूविंग एवरेज है, ये भी ट्रेंड लाइन का ही काम कर रहा है इसके लिए, तो यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो आप इसमें मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है 260 के ऊपर सस्टेन करता है, 260-270 के ऊपर निकालता है तो फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। ITC जो कि काफ़ी मतलब बेहतरीन स्टॉक में से एक है, यहाँ पर देखिए ये इसका सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन के नीचे जब भी आता है तो बाउंस बैक करके ऊपर जाता है लेकिन अभी तक कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया, और इसमें हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया था जब तक ये 260 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें इसमें मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो पहला है कि ये 240 के ऊपर निकले, 240 के बाद ये 260 को क्रॉस करे तब जाकर के हमें इसमें एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा, नहीं तो ये 200 के आसपास ही लगातार कंसोलिडेट हो रहा,
अभी मार्केट में गिरावट आ जाए अचानक, अभी जो निफ्टी हमारा 1000 पॉइंट यहाँ पर गिर जाए, 1000 पॉइंट के गिरावट के बाद ये स्टॉक निश्चित है कि आपको यहाँ पर 190-180 का लेवल दिखा सकता है। तो बस ये 180-190 जब भी मिले तो आप इसको ग्रैब करते रहिए, या आप इसको छोड़ करके अच्छे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही धीरे चलने वाला है और 3 साल से तो बिल्कुल भी इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि 3 साल का जो अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखिएगा पूरी तरह से डाउन है। देखिए पीछे 3 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो देखिए 2019 में भी गिर रहा है, ये देखिए यहाँ पर 2017 से ही लगातार गिरावट, मतलब 4th साल है जब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड पूरी तरह से निगेटिव है। आगे है मुथूट फाइनेंस काफी जबरदस्त मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, देख सकते हैं ये इसका ब्रेकआउट रेंज था, तो यहाँ से अगर ये इस लेवल को फिर से टच करता है, देखिए ये 1350 रुपये के लेवल को फिर से अगर ये रिटेस्ट करता है तो आप इसमें अपना स्टेक बना सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा अगर ये फिर से अपने इस लेवल को रिटेस्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर ही निकलते चला गया तो फिर आपको SIP करना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करने आता है 1350 रुपये के लेवल को तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आप इसमें चाहें जब भी गिरावट मिले तो आपका मन हो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक अभी जो है काफ़ी मतलब जो अप ट्रेंड में है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से अपना अप ट्रेंड को बनाए रखा है, और इसका जो अब सपोर्ट लेवल है वो 1350 रुपये, 1350 पर मिल जाए तो बस आपको छोड़ना नहीं है, इसमें एकदम इन्वेस्ट कर लीजिए। और जैसे जैसे और अगर गिरावट होता है तो और जाकर ऐसे बहुत कम उम्मीद है कि ये यहाँ से फिर आपको नीचे का लेवल दिखाएगा, यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया है तो फिर एक ज़बरदस्त यहाँ से मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। ऐसे इसका जो यहाँ से टारगेट होगा वो पहला तो 1550 रुपये होगा, जिसके ये काफ़ी करीब पहुँच चुका है, और 1550 के ऊपर निकलता है फिर ये 2000 का लेवल दिखा सकता है, और अगर ये आपको 1350 मिल जाता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट लेवल है जहां तक ये आ सकता है अपना रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।